और चलिए फिलहाल सीधा सेंट्रल पार्क जयपुर का रुख करेंगे, जहां गांधी दर्शन म्यूजियम का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। और अवलोकन फिलहाल किया जा रहा है, 2 अक्टूबर से गांधी वाटिका का संचालन होगा और उसी के चलते पहले व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए, अवलोकन करने के लिए पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। और सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर गांधी वाटिका पहुंचे हैं और यहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है, अवलोकन किया जा रहा है, क्योंकि 2 अक्टूबर से गांधी वाटिका का संचालन होने जा रहा है पर्यटन विभाग की ओर से, और इसी के चलते पहले तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। और सबसे पहले तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप फिलहाल देख पा रहे हैं। सेंट्रल पार्क में गांधी दर्शन म्यूजियम और इसका 2 अक्टूबर से पर्यटन विभाग की ओर से संचालन होने जा रहा है और उसी के चलते पहले व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए, अवलोकन करने के लिए पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी को गांधी जी के जीवन से रूबरू होने का एक अच्छा अवसर मिलेगा इस म्यूजियम के जरिए। और सबसे पहले तस्वीरें आप फिलहाल अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पर्यटन विभाग गांधी वाटिका का संचालन करेगा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर फिलहाल व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप फिलहाल देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर गांधी वाटिका पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। लाल सिंह, गांधी जी के संदेश नई पीढ़ी तक पहुंचाने का उद्देश्य लेकर लगातार आगे बढ़ा जा रहा है और गांधी वाटिका का संचालन भी अब 2 अक्टूबर से होने जा रहा है, तो क्या कुछ इस विषय में जानकारी आज व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए, अवलोकन करने के लिए पहुंचे हैं यहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर? और आपको बता दें कि इससे युवा पीढ़ी को निश्चित तौर पर कई सारे संदेश मिलेंगे, गांधी जी के जीवन से रूबरू होने का भी अवसर युवा पीढ़ी को मिलेगा और इसीलिए लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं गांधी वाटिका की और पर्यटन विभाग की ओर से अब संचालन किया जाएगा। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी? इसके बाद आगे
फिलहाल नीचे से बनाया जाए। 15 लाख होने के कारण अभी फाइल से नहीं दिया, इसलिए